उत्तराखंड में जेल में बंद माफिया पर शिकंजा कसेगा। जेल में बैठकर नेटवर्क चलाने वाले माफिया पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। टॉप 50 अपराधियों की पुलिस ने लिस्ट तैयार कर ली है। टॉप 50 अपराधियों की निगरानी के लिए एसटीएफ की टीमें भी गठित की गई हैं। टॉप 50 में सुनील राठी गैंग, प्रवीण वाल्मीकि, चीनो पंडित शामिल हैं। ऐसे में करीम और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा गैंग टॉप 50 अपराधियों में शामिल है। तो टॉप 50 की लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है। अपराधियों पर यहाँ पर शिकंजा कसने वाला है रवि केंद्रा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ। रवि, किस तरीके से जेल में बैठकर यहाँ पर नेटवर्क चलाया जा रहा है, किसकी शय मिल रही है या फिर ऐसा कहें कि पुलिस की लापरवाही है ये? बिल्कुल हर्षा, इस तरीके के इनपुट जो है पुलिस के पास हैं कि जिस तरीके से जो टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट अब एसटीएफ की ओर से तैयार की गई है, उसमें कई ऐसे बदमाश हैं जो खुद तो जेल में हैं लेकिन उनके गुर्गे अभी भी बाहर हैं, और जो इस तरीके के कार्य, चाहे फिरौती की बात हो, रंगदारी हो, लूट हो, हत्या हो, इन तमाम जो गंभीर अपराध हैं इसमें ये गैंग अक्सर ही लगे रहते हैं। ऐसे में कई लोग इसमें अरेस्ट होकर जेल में हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो अपराधी जेल में हैं, जो बदमाश जेल में हैं, उनके नेटवर्क अभी भी पूरी तरीके से सक्रिय है और इसमें कई, चाहे सफ़ेदपोश हों या फिर कुछ अधिकारी हों, उनकी शय पर ये तमाम काम होते हैं। और यही वजह है कि एसटीएफ ने अब टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट तैयार की है, और इस लिस्ट को तैयार करने के पीछे की वजह है कि इन पर पूरी तरीके से निगरानी रहेगी। जो जेलों में बंद बदमाश हैं उन पर निगरानी रहेगी, और उनके गुर्गे जो बाहर हैं वो क्या कर रहे हैं उन पर भी पूरी तरीके से निगरानी रहेगी। इस टॉप 50 में टॉप 5 की बात करें तो उसमें सुनील राठी गैंग है, चीनू पंडित है, इसके अलावा जीवा गैंग है, जिनके कई बदमाश जो है जेलों में है लेकिन इनका गैंग भी अभी बाहर सक्रिय दिखाई देता है। तो यही वजह है कि जेल से इस तरीके का नेटवर्क ना चल सके, एसटीएफ ने इसकी पूरी तैयारी कर दी है, लिस्ट तैयार हो रखी है, बाहर भी नजर रहेगी और जेल के भीतर भी नजर रहेगी। इसके साथ ही कुछ सफेदपोश जो इसमें शामिल होने की जो आशंका है उन पर भी नजर रहेगी। तो ऐसे में किसी भी तरीके का अपराध जेल में बैठकर घटित न हो, किसी की शय पर कोई अपराध न हो, इस तरीके से पूरी एक तैयारी एसटीएफ की ओर से की गई है। और यहाँ पर जो टॉप 50 बदमाशों की लिस्ट यहाँ पर लगातार तैयार की जा रही है, जल्द ही इन सभी पर शिकंजा भी कसने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और आज चंपावत में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जीआईसी चौक से गौराल चौड़ मैदान तक रोड शो निकालेंगे और ऐसे में एक साल की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे, और इसी को लेकर ये पूरी जनसभा होने वाली है। मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की यहां पर जानकारी देंगे, कई अहम योजनाओं का लोकार्पण भी कर सकते हैं सीएम धामी। तो जीआईसी चौक से गौराल चौड़ तक यहाँ पर ये रोड शो होने वाला है, जिसमें एक साल की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, साथ ही मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी भी दी जाएगी। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। एक ट्रैक एजेंसी के जरिए 3 ट्रैकर्स तपोवन ट्रैक पर निकले थे, जब बर्फबारी के कारण फंस गए थे। 30 मई को वृंदावन और देहरादून के 3 ट्रैकर्स तपोवन में फंसे, और ऐसे में 31 मई शाम को एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के लिए रवाना हुई, और ऐसे में अब तीनों ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर गंगोत्री लाया गया। लेकिन इस मामले में पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग एजेंसी से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण न मिलने पर पंजीकरण निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए, 2 तस्वीरें, ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया गया तपोवन में, ये 3 ट्रैकर्स फंस गए थे। एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने इन तीनों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला है। इस पूरे मामले में पर्यटन विभाग ने, जो ट्रैकिंग एजेंसी थी जिसके द्वारा इनको ये गाइडेंस दी गई थी, उन तीनों जो कि वहां पर फंस गए थे, ट्रैकिंग एजेंसी से 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है, और अगर स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की भी चेतावनी दी गई है। 2 तस्वीरें, वन विभाग को निर्देश दिए गए नेप जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि उसके हिसाब से लोगों को परमिट किया जाए, और किसी भी प्रकार से असंगठित लोगों को और बिना तैयारी के लोगों को ट्रैकिंग पर जाने दिया जाए। ऐसी एक घटना 31 तारीख की आई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा वहाँ फंसे होने की सूचना दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा चॉपर की डिमांड की गई थी, तो उसमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसी कंडीशन में हर कोई चॉपर ऐसे राहत कार्य में नहीं जा पाता है, ये पूर्व तैयारी के दृष्टिगत उन्हें कोऑर्डिनेट किया जाना था, लेकिन एसडीआरएफ के द्वारा उनको सुरक्षित गंगोत्री लाया गया। उन लोगों को ये भी देखा गया, ना उनकी तबीयत खराब थी, ना उनके द्वारा खाली एक गलत सूचना देते हुए संसाधनों का मिसयूज किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और वो ट्रैकिंग एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।